हम जजमेंट्स करते हैं लोगों को, करते हैं खुद जज करते, खुद को जज करते हैं लोगों को जज करते, राइट। और यही सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है हमारे, जो हमारा पाथ है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे वो गॉड के साथ कनेक्ट, मतलब ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पाथ हो, तो हमें यही चीजें स्टॉप करती है, या हमें हाईएस्ट, जो हमारा हाईएस्ट वर्जन है, बेस्ट वर्जन है, वहां तक पहुंचने में, क्योंकि हम जज करते हैं हर चीज को, हर टॉपिक को, हर पर्सन को, अपने आप को बहुत ज्यादा जज करते हैं कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं हील हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, मैं कैसे होऊंगी। इट्स ऑल अ जजमेंटल थॉट्स, राइट। और इस मोमेंट पे अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन इज नॉट लुकिंग गुड, जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। ये तो हर किसी, हर कोई जज करता है, अरे यार देखना उसने ड्रेस कैसे पहन रखी है। तो आपके अकॉर्डिंग उस पर्सन को हमें क्या करना चाहिए? जजमेंट तो हमने दे दी, ठीक है, अभी जो भी था हमारे माइंड के अंदर आ गया, बट दैट पर्सन नीड्स मोर ब्लेसिंग्स, सो दैट कि उसको अवेयरनेस आए कि ड्रेस कैसे वेयर करते हैं, राइट। सो ट्राई टू कन्वर्ट योर जजमेंट्स इंटू ब्लेसिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर आप खुद को जज कर रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, तो क्या चाहिए आपको? ब्लेसिंग चाहिए सो दैट कि आप कर पाओ। आपको लग रहा है कि मैं हील नहीं हो पाऊंगी, आपको ब्लेसिंग चाहिए कि आप उस खुद को हील, खुद से हील हो जाओ, राइट। ब्लेसिंग चाहिए ना, तो ब्लेस योर सेल्फ, दैट आई ब्लेस माई सेल्फ फॉर मोर हीलिंग, फॉर हीलिंग इजिली, आई ब्लेस माई सेल्फ फॉर मोर सेल्फ क्लैरिटी, आई ब्लेस माई सेल्फ फॉर मोर सेल्फ अवेयरनेस, आई ब्लेस माई सेल्फ फॉर मोर सेल्फ लव। इफ यू आर फीलिंग दैट यार मैं तो सेल्फ हेटेड से भरी हुई हूँ, मैं कैसे सेल्फ लव कर सकती हूँ, मैं कैसे कोई, जस्ट ब्लेस योर सेल्फ मोर फॉर मोर सेल्फ लव, बिकॉज ब्लेसिंग से बड़ी तो कोई चीज नहीं है ना, चाहे वो किसी को करो, चाहे वो खुद को करो। हम लोगों को कर देते हैं, हम खुद के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि यार खुद को कौन करता है, ये हमें सिखाया ही नहीं गया कि तुम खुद को भी कर सकते हो। हम लोगों को प्यार करने के लिए भागते रहते हैं, जैसे बचपन में सिखाया गया इससे प्यार करो, उससे प्यार करो, ये करो, वो करो, हमें ये सिखाया नहीं गया कि तुम खुद से भी प्यार कर सकते हो। सो एग्जैक्टली सेम विद द ब्लेसिंग, हम लोगों को देते ऐसे लोगों को दिल खोल के, आई ब्लेस यू फ्रॉम द बॉटम। क्या आपने कभी खुद को बोला है मिरर में खड़े होकर कि आई ब्लेस यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट? नहीं ना, मैक्सिमम लोगों ने नहीं बोला होगा, बिकॉज हमें लगता है खुद को थोड़ी ब्लेस करती है, तो ब्लेसिंग्स तो लोगों के लिए होती है। सो लोगों की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे से ही होती है, बाहर से नहीं होती। अगर हम हैं तो दुनिया है, अगर हम नहीं है तो दुनिया ही नहीं है, अगर हम हैं तो वर्ल्ड है पूरा, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप खुद नहीं हो तो कुछ भी अवेलेबल नहीं। सो ब्लेस योर सेल्फ, जब भी आप खुद को जज करो, जस्ट ब्लेस योर सेल्फ फॉर मोर लव, फॉर मोर लव, फॉर मोर केयर, फॉर मोर सपोर्ट। क्या आई ब्लेस माई सेल्फ फॉर मोर सपोर्ट? आई ब्लेस माई सेल्फ फॉर मोर लव, सो दैट मैं खुद को वो लव दू और मुझे लोगों से वो लव मिले। हम जब किसी को ब्लेसिंग देते तो हमें लगता है ना, हमें पता होता है ना कि यार इसको ब्लेसिंग चाहिए है तो इसका तो ये काम होगा ही होगा। अगर मैंने इसको बोला कि यार गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव मतलब वो पर्सन का खुद का भी लव क्रिएट हो रहा है, अंदर से लविंग वाइब्रेशन एंड बाहर से भी आ रही है। सो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है जजमेंट, तो लेट्स कन्वर्ट ऑल द जजमेंट्स इनटू ब्लेसिंग्स। जजमेंट मतलब देयर इज लैक ऑफ समथिंग, दैट्स द ओनली रीजन वी आर जजिंग, राइट। या तो लैक उस पर्सन में होगा या लैक हमारे अंदर होगा, कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास बहुत पैसा है और हम जज कर रहे हैं, अरे यार हमारे पास तो है नहीं, दैट इट मीन्स वी आर जजिंग। तो ब्लेस योर सेल्फ फॉर मोर मनी, फॉर मोर वेल्थ, फॉर मोर प्रॉस्पेरिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड ट्राई टू कन्वर्ट योर ऑल द जजमेंट्स, ईच एंड एवरी जजमेंट, चाहे वो बाहर दे रहे हो, चाहे आप अंदर दे रहे हो, इन ऑल द ब्लेसिंग्स, एंड यू कैन ब्लेस योर सेल्फ। लाइक जैसे आप खुद को प्यार कर सकते हो, वैसे ही आप खुद को भी ब्लेस कर सकते हो। जो स्पिरिट बाहर लोगों को ब्लेस करती है, बाहर लोगों के लिए खुश होती है, वो अपने आप के लिए भी खुश हो सकती है।